हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको नेक्स्ट ऑपरेटर्स दिखाने वाली हूँ, बिट वाइज ऑपरेटर्स, और उसका सी लैंग्वेज में प्रोग्राम दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंट्रो टू बिट वाइज ऑपरेटर, कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर यानी क्या, वो मैं दिखाऊंगी। लिस्ट ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर, देन एग्जाम्पल, देन प्रोग्राम यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंट्रो टू बिट वाइज ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशन। मीन्स इसमें हम जो बिट हैं, वन वन बिट्स हैं, उस पे हम जो भी हम लोग यहाँ ऑपरेशन करेंगे एंड और, तो वो बिट पे करेंगे। नेक्स्ट, डेसिमल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यू। इसमें जो भी हम डेसिमल वैल्यूज यूज करेंगे तो उनको फर्स्ट हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी वैल्यूज आर द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अभी बाइनरी वैल्यू कौन कौन से होते हैं, तो जीरो एंड वन, एक तो वो जीरो रहेगा या तो उसका वन, ये बिट रहेगा। तो बाइनरी वैल्यूज आर द सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस मिलेंगे वो बिट्स, जो भी डेसिमल नंबर है उसका हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करेंगे, लेकिन वो बिट पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशन। बिट मीन्स जीरो या वन, इस पे ही हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। एंड इट बाइनरी वैल्यूज आर नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बिट्स मीन्स जीरो एंड वन। बिट वाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अभी जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो किस पे वर्क करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स मीन्स बाइनरी वैल्यूज पे ही वो वर्क करेंगे, डेसिमल वैल्यूज पे नहीं। तो कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एंड, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों ने दो एंड ऑपरेटर देखा था, तो यहाँ पे दो एम्परसेंड देखा था, दो एंड आए थे। देन बिट वाइज और, बिट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड बिट वाइज एक्सऑर, तो ये सिंबल्स हम यूज करेंगे। तो सिक्स ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट वन में थ्री ऑपरेटर्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई डेसिमल नंबर हमको दिया हुआ है तो उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसका लॉन्ग प्रोसीजर भी है, लेकिन मैं एक शॉर्ट प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8421। तो अभी ये 421 मीन्स 4 + 2 6 + 1 इज इक्वल टू 7, मीन्स ये ऑक्टल नंबर के लिए है। और फिर उसके बाद 7 + 8 दैट इज 15, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर के लिए है। फिर यहाँ पे 8 के बाद 16 आएगा, 16 × 2 दैट इज 32, अगर ज्यादा नंबर हो गए तो हम यहाँ पे ये इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन एक्सटेंड करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही मैं आपको दिखाती हूँ शॉर्ट नंबर्स। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया डेसीमल नंबर 5, तो उसको हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे कि जिनका आंसर 5 आता है। अभी यहाँ पे 8 + 4 तो 12 आएगा। अगर हमने नेक्स्ट ऑप्शन देखा 4 + 2 तो 6 आएगा, 2 + 1 ये 3 आएगा। तो ऐसा हमको नंबर देखना है कि जिनका एडिशन 5 आएगा। अभी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो जहां पे एडिशन होके नंबर आता है डेसिमल, तो वहां पे 1 लिखना है, यानी यहाँ 4 के नीचे 1 आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा, तो ये डेसिमल नंबर होगा। और यहाँ पे जो नंबर हमको नहीं लेना है वहां पे 0 लिखना है, यानी आंसर क्या आएगा, 0101, 0101। तो ये डेसिमल नंबर है और इसका हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर में। तो ऐसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके इसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ फॉर डेसिमल नंबर 11। तो 11 के लिए हम ऐसे देखना है कि जिनका एडिशन 11 आना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैंने 8 + 2 + 1 दैट इज
इलेवन, तो वहां पे क्या आएगा, वन वन आएगा और फोर में जीरो आएगा। तो ये है डेसिमल नंबर और ये है बाइनरी नंबर। तो हम अभी नेक्स्ट एंड ऑपरेटर देखेंगे। तो अभी बिट वाइज एंड ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, एंड ऑपरेटर। तो अभी फर्स्ट उसका क्या, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स क्या कि इसमें दो ऑपरेंट लगेंगे। यूनरी ऑपरेटर मीन्स क्या, एक ही ऑपरेंट रहा तो हमको ऑपरेट करने आता है, लेकिन इसमें दो यानी ए एंड बी या 15 एंड 6 दो ऑपरेंट लगेंगे, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। इट टेक्स टू नंबर्स, बाइनरी मीन्स टू नंबर्स। यूनरी होता है, टर्नरी होता है, जिसमें थ्री ऑपरेंट हमने देखा है। द डेसिमल नंबर्स आर कन्वर्टेड इंटू बाइनरी नंबर। ये टू नंबर्स हमने लेने के बाद इसमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट डेसिमल नंबर जो भी हमको दिया हुआ है वो फर्स्ट हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट करना है हमने देखा लास्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एंड इज वन व्हेन बोथ बिट्स आर वन। यानी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था बाइनरी नंबर का, ये जीरो और वन में ही आता है, दो बिट्स ही होंगे, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो एंड का रिजल्ट कब है, वन कब आता है, जब दोनों भी यानी यहाँ टू नंबर्स है ना, तो दोनों भी नंबर के बिट्स क्या हो गए, वन हो गए, तब वो वन आएगा, अदरवाइज जीरो। एंड मीन्स क्या, दोनों भी कंडीशन हमको ट्रू चाहिए। और यानी क्या, हम लोग ये भी ले सकते वो भी ले सकते, लेकिन एंड में क्या है, दोनों भी मस्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यानी द रिजल्ट ऑफ वन इज, रिजल्ट ऑफ एंड इज वन व्हेन बोथ बिट्स आर वन। मीन्स अगर दोनों बिट्स वन हो गए तो ही वो वन होगा, अदरवाइज आंसर तो जीरो आएगा। हम टेबल देखेंगे। सपोज दो नंबर है एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई ऐसे हम लिखेंगे, दो नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स में जीरो है और वाई में जीरो है तो आंसर जीरो ही आएगा। जीरो है, वन है, तो आंसर जीरो ही आएगा। वन जीरो, आंसर जीरो आएगा। जब दोनों भी वन है तो ही आंसर क्या आएगा, वन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, सपोज एग्जाम्पल है, हम दो नंबर लिया है डेसिमल नंबर सेवन एंड सिक्स, उनको इस पे ऑपरेट करना है। तो सेवन हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में, मैंने लास्ट सिखाया है, तो फोर टू वन मीन्स यहाँ पे जीरो वन वन। नेक्स्ट है सिक्स, जीरो वन वन जीरो। तो ये हम यहाँ पे कौन सा बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो दोनों में अगर जीरो जीरो है, दो बिट्स हैं यहाँ पे, जीरो जीरो है, तो आंसर यहाँ पे टेबल है उससे हम सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, वन वन है तो आंसर वन आएगा, वन वन देन वन, वन जीरो रहेगा तो आंसर जीरो आएगा। मीन्स ये बाइनरी नंबर है, तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, फोर और टू है, तो यहाँ पे आंसर सिक्स आएगा। तो सेवन एंड सिक्स का आंसर क्या हो गया, सिक्स। नेक्स्ट हम और ऑपरेटर देखेंगे। और मीन्स क्या, ये या वो दोनों भी चल सकता है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही है। और इज अ बाइनरी ऑपरेटर मीन्स दो ऑपरेंड लगेंगे। इट टेक्स टू नंबर, दो नंबर्स लगेंगे, इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। द डेसिमल नंबर्स आर कन्वर्टेड इंटू बाइनरी नंबर, इसमें भी दो डेसिमल नंबर लगेंगे, उसको हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या है, तो द रिजल्ट ऑफ और इज जीरो व्हेन बोथ बिट्स आर जीरो। अगर जीरो है तो ही वो जीरो आएगा, नहीं तो आंसर वन ही आएगा। मीन्स इसमें क्या है कि एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो भी आंसर वन आता है, लेकिन अगर दोनों कंडीशन जीरो है तो ही वो फॉल्स, जीरो मीन्स फॉल्स, जैसे जीरो है तो ही वो जीरो आएगा। अभी यहाँ पे टेबल है, सपोज एक्स एंड वाई, और हमने ये ऑपरेंड एक्स और वाई यूज किया बिटवाइज ऑपरेटर। यहाँ पे टेबल है, जीरो जीरो रहेगा तो ही आंसर जीरो आएगा, बाद में जो भी ऑप्शन है उसको आंसर वन आएगा और में। तो उसमें एग्जाम्पल फिर से हमने सेवन और सिक्स लिया है,
तो वही आएगा बाइनरी नंबर, लेकिन आंसर इसने क्या आएगा, यहाँ पे जीरो जीरो है तो जीरो आया, वन वन है तो आंसर वन वन, वन वन देन वन जीरो है तो भी आंसर वन आता है। तो इसको फोर प्लस टू प्लस वन मीन्स डेसिमल नंबर में वो सेवन हो गया। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर यह यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसमें हम एक ही ऑपरेंड यूज करेंगे, जैसे कि वहां पे बाइनरी में दो किया था तो यहाँ पे एक ही ऑपरेंड यूज करेंगे और इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, इट टेक्स वन नंबर देन द डेसिमल नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, द रिजल्ट ऑफ नॉट इज वन व्हेन बिट इज जीरो एंड व्हेन जीरो व्हेन बिट इज वन। मीन्स अगर वन है तो जीरो होगा और अगर जीरो है तो वन होगा, एक ही ऑपरेंड यूज होगा तो टेबल तो सिंपल है। अगर एक्स में जीरो है तो आंसर वन, अगर वन है तो जीरो। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ सेवन, सपोज एक ही यूनरी ऑपरेटर है तो एक ही डेसिमल नंबर होगा, तो यहाँ पे फोर टू वन मीन्स ये डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है, तो इसको हमको क्या करना है, नॉट ऑपरेटर हमने यूज किया है तो जीरो है तो वन होगा, वन है तो जीरो होगा, ऐसे आंसर आएगा तो एट होगा, माइनस एट इसका आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अभी हम एक्चुअल उसका क्या देखेंगे, प्रोग्राम देख। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे दो नंबर एक्सेप्ट किया हुआ है ए और बी, एक्सेप्ट एनी टू नंबर्स, देन मैंने स्कैनिफ किया ए एंड बी, ये इंटीजर पे लिया है मैंने, और बिट वाइज एंड ऑपरेटर हमको यूज करना है, तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी का आंसर इसमें आएगा जो हमने देखा था अभी, फिर और ऑपरेटर ऐसे इंडिकेट करते हैं ए और बी, देन बिट वाइज नॉट ऑपरेटर हम नॉट ए ऐसे यूज करते हैं। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वही नंबर लेके देखेंगे, सपोज सेवन एंड सिक्स, तो आंसर हम चेक कर सकते हैं, इसका एंड में सिक्स आया था और ऑपरेटर में सेवन और नॉट ऑपरेटर में माइनस एट। अभी ये माइनस एट है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव आता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव आता है। आप भी अलग अलग इनपुट लेके इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो तीन ऑपरेटर हैं बिटवाइज ऑपरेटर,